मीठे की क्रेविंग सुबह के समय या आधी रात को कभी भी हो सकती है। जब मीठा खाने की इच्छा होती है तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता और बिना कोई नुकसान जाने सीधा उस पर धावा बोल देते हैं। लेकिन अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या आपको मीठा खाना चाहिए? अगर मीठा खा रहे हैं तो चीनी या गुड़ किसका सेवन करना चाहिए? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर या हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा सही है? नोएडा स्थित आरोग्यम हेल्थ सेंटर की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर वीडी त्रिपाठी से जानते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से। चीनी और गुड़ दोनों ही मिठास और स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स चीनी की बजाय गुड़ खाने की सलाह देते हैं। हालांकि दोनों ही एक ही चीज़ से बनाए जाते हैं, लेकिन बनाने का प्रोसेस बेहद अलग होता है। जहाँ चीनी को प्रोसेस और रिफाइंड करके बनाया जाता है, वहीं गुड़ में नेचुरल शुगर होता है। डॉक्टर वीडी त्रिपाठी कहते हैं चीनी का ज़्यादा सेवन करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। वहीं गुड़ का अगर आप संतुलित सेवन करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। चीनी का स्वाद हम सभी को पसंद आता है और उसे खाने से मन शांत होता है, यहाँ तक कि आपको तुरंत ऊर्जा भी मिलती है। चीनी में मौजूद मिठास सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ाती बल्कि कई बीमारियों का कारण बनती है। चीनी का ज़्यादा सेवन करने से डायबिटीज़, दिल से जुड़ी बीमारियां और मोटापे की समस्या बढ़ जाती है। शुगर के सेवन से शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करें। गुड़ के पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मददगार है। इनके अलावा आप मीठे में सेब, नाशपाती जैसी फलों का सेवन भी करें। गुड़ में मौजूद पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते हैं और शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही इसका सेवन करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है।